हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। हमें पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, लेकिन हम इस मॉल में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मैनी न्यू सब्सक्राइबर्स जो मुझसे जुड़े हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहती हूँ चाइना के बारे में, यहाँ की लाइफ कैसी है, अभी कैसी चल रही है, और फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जैसे मैं बोलती आ रही हूँ। हमेशा से चाइना में स्ट्रीट शॉप लगाना, ठेले लगाना, ये रोड के साइड में दुकानें लगाना बैन रहा है, इलीगल रहा है। लेकिन ये जो आप सीन देख रहे हो ना, ये मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। अभी हुआ ये है कि कोरोना वायरस के बाद इकोनॉमी जो डाउन गई थी उसको ऊपर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला जितने मर्जी है उतने ठेले लगाओ, उतने दुकानें लगाओ सड़क के साइड में, ये अचानक से लीगल कर दिया है। तो इससे ना इकोनॉमी में पैसा फ्लो करेगा और लोगों को अपनी इनकम भी चालू हो जाएगी लोगों की, अगर किसी का जॉब वॉब गया है तो। देखो आप, ये बहुत ही मेरे को क्रेज़ी लग रहा है, कभी मैंने पहले चाइना में नहीं देखा ऐसे। मॉल के बाहर इन्होंने ठेले लगा दिए। ये प्रेग्नेंट लेडी यहाँ बच्चों के खिलौने बेच रही है, और ये मुझे और दिखाने लग गई जब इसने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, अब मेरा भी मन किया था लेने का। ये पुलिस की गाड़ी है यहाँ की, देख लीजिए आप, ये घूमती रहती है। ट्रैफिक पुलिस की भी ऐसी कार रहती है। और ये राइट साइड में दिख रही है स्कूटीज़, ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं बैटरी से चलने वाली। फ्रेंड्स, हम नीचे घूम के अभी आ गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सारे फूड कोर्ट वगैरह हैं, यहीं पे हम डिनर करने वाले हैं। दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है आपको कुछ, कितना उजाला है ना। ये चाइना में उजाले से अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को, यानी कोई खाने पीने की जगह होगी उसको एकदम क्या बोलेंगे, उसको एकदम उजाला उजाला वहाँ पे एकदम लाइट्स लगा देते हैं। तो ये टाइप की मार्केटिंग चाइना में एकदम ही अलग है। ये देखिए, सेशुआन वाला जो अपने फेमस है ना सेजवान, वो एक्चुअल में सेशुआन फूड बोलते हैं। तो यहाँ पे वही स्पाइसी वाला खाना मिलता है, यहाँ पे कोरियन बारबेक्यू मिलता है। ये देखिए, अभी ओडिन जाके देख रहा है कुछ अच्छा है तो हम बैठेंगे यहाँ पे। अब रेस्टोरेंट में घुसते ही ओडिन का काम चालू हो जाता है सीट ढूंढने का, कि सबसे अच्छी सीट कौन सी है। अब मैं तो कभी सोचती नहीं थी इसके बारे में कि सीट भी ढूंढ के बैठते हैं लोग, बट चलो अच्छा है। फ्रेंड्स, लगता है हम यहीं बैठने वाले हैं अभी। बेबी के लिए सीट लगाई जा रही है। गर्म पानी आ गया हमारा अभी। मैंने देखा है बहुत कोरियन रेस्टोरेंट्स में वेटर्स भी कोरियन ही होते हैं। ये देखिए PSI, क्योंकि कोरियन वाला रेस्टोरेंट है, कोरियन थीम वाला है, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें कोरियन ही मिलेगी आपको। म्यूजिक कोरियन बज रहा है और पूरा स्टाइलिंग वगैरह कोरियन बारबेक्यू की है। ये जो कॉपर वाली ये लगाई हुई है चिमनियाँ सारी टेबल पे, ये ज़्यादातर कोरियन बारबेक्यूज में होता है। फ्रेंड्स, ये कोरियन रेस्टोरेंट में सैलेड के जैसे आता है, तो जैसे हमारे सैलेड और अचार वगैरह आता है ना, कोरियन रेस्टोरेंट में हमेशा किमची और ये सब मिलता ही मिलता है, जो बाकी के अचार हैं कोरिया के। ये लोग ओडिन वगैरह वहीं कोरिया के बाजू से ही हैं, तो उनका खाना भी सेम ही है।
तो मैं जब भी गांव जाती हूँ इनके ये अचार वगैरह ज़रूर खाती हूँ। यहाँ पे बारबेक्यू किया जाएगा अलग ही स्टाइल का। देखो अभी यहाँ पे पता नहीं इस पत्थर पे बारबेक्यू किया जाएगा कि क्या, मुझे पता नहीं। ओके इवान बहुत मज़े कर रहा है, उसको मज़ा आ गया है कलरफुल लाइट्स वगैरह देख के। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, चाइनीज़ और कोरियन मिक्स। ये देखिए ये स्प्रिंग अनियन में इन्होंने कोरियन रेड चिली पेस्ट डाला हुआ है। ओडन पेमेंट अभी कर दे रहा है क्यूआर कोड से, टेबल पे ही लगा हुआ है क्यूआर कोड हर टेबल पे। ये तो किमची है, आपको पता ही है जो कोरिया को फॉलो करते हैं उनको पता है ये किमची होती है। ये नॉर्मल अपनी मूंगफली है, बहुत टेस्टी है। सोया सॉस और कुछ थोड़ा सा शुगर वुगर में है, ये अलग ही टेस्ट है। ये स्प्राउट्स, बीन स्प्राउट्स का अचार है। देखिए आप मूंग दाल और गाजर को मिला के बनाया है। देखिए खट्टा मीठा सॉस है और ये मूंगफली का वो है पेस्ट अलग से। ये अलग टाइप का टोफू है देखिए। ये सी वेजिटेबल देखिए आप, समुद्र के वेजिटेबल। ये एक और किमची जैसा अचार है मूली का, जो कोरिया में बहुत खाते हैं, मूली बहुत खाई जाती है। और ये हमारा ब्रोकली, ब्रोकली तो आपको पता ही है, तो मैं टेस्ट बताती हूँ उसका आपको। ब्रोकली में तिल का तेल डाल के बनाया हूँ। शंग मामा शंग योडिन को देख रहे हो आप, हमेशा फ़ोन में लगा रहता है क्योंकि या तो इसके क्लाइंट्स का मैसेज होता है या फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग में लगा रहता है। तो जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तब भी मैं भी फ़ोन पे लगी रहती हूँ। यहाँ पे आके तो बहुत ही ज़्यादा आदत हो गई है। देखिए फ्रेंड्स कोरियन बारबेक्यू और इनके गांव के बारबेक्यू में एक सिमिलरिटी है, आई मीन पूरे खाने में सिमिलरिटी है, लेकिन इन्हें देखिए जीरा पाउडर यूज़ करते हैं बारबेक्यू में, वाइट पेपर पाउडर यूज़ करते हैं और ये लाल मिर्ची पाउडर। तो ये कॉम्बिनेशन इंडिया में भी बहुत पसंद करते हैं, आपको पता ही होगा। तो कोरियन बारबेक्यू, चाइनीज़ बारबेक्यू इंडियन लोग बहुत पसंद करेंगे, लेकिन इतना पॉपुलर ही नहीं है। चाइनीज़ फूड के नाम पे हमारे यहाँ सिर्फ एक आधा नूडल पॉपुलर है और कुछ मंचूरियन बस, लेकिन चाइनीज़ फूड बहुत ही वर्सेटाइल है फ्रेंड। ये देखिए इनके गांव में और यहाँ कोरिया में लहसुन और मिर्ची खाने के साथ खाते हैं सैलेड के जैसे, और ये राजस्थान में भी खाते हैं, कम से कम हरी मिर्ची तो बहुत खाते हैं, लहसुन भी बहुत खाते हैं, तो ये कच्चा खाते हैं ये कोरिया में और चाइना में। मैं एक मिर्ची खा जाऊंगी इसमें डाल के। ओ माय गॉड इट्स स्पाइसी। हाँ फ्रेंड्स ये पोर्क फैट है, ये लगाया जाता है ग्रीस करने के लिए पूरे बारबेक्यू को। तो
चाइना जापान कोरिया में पोर्क बहुत खाया जाता है और आपको लगता होगा इंडिया में नहीं खाता कोई भी, लेकिन मैंने देखा है मेरे इंडिया में बहुत फ्रेंड्स हैं जो खाते हैं और हिंदू फ्रेंड्स खाते हैं बहुत सारे, सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स सर्व करने लग गए हैं पोर्क, जो आप सिटीज़ में जाओगे आप कॉन्टिनेंटल फूड वाले रेस्टोरेंट्स में हमेशा आपको मिल जाएगा। तो पोर्क फैट यहाँ पे बहुत यूज़ होता है खाना बनाने में, ट्रेडिशनली भी यूज़ होता था। अभी जो फर्स्ट आइटम है उसको पोर्क या हैम बोल सकते हो आप, तो मैं वैसे घर पे कभी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन सिर्फ कोरियन बारबेक्यू के टाइम खाती हूँ, मुझे अदरवाइज़ पोर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे याद है जब भी मैं सब्ज़ी मंडी जाती थी मम्मी के साथ पुणे में, वहाँ पे बहुत बड़ी पोर्क की दुकान होती थी, और फिर बाद में पुणे में बहुत जगह पे पोर्क की शॉप्स खुल गई है अभी भी बहुत अच्छे एरियाज़ में। तो मैंने देखा है कि पोर्क का कंजम्पशन बढ़ रहा है इंडिया में, और बहुत जगह मैंने सब्ज़ी मंडियों के पास देखा है। तो मुझे लगता था कोई खाता नहीं है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ इसके बारे में तो लगता है कि काफ़ी लोग खाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है या कोई बताता नहीं है। ये आ गई कोरिया की बहुत फेमस डिश राइस केक्स से बनी हुई। तो जैसे हमारी इडली होती है ना, यहाँ पे चाइना में और कोरिया में राइस का अलग सा वो बनाते हैं, ये सिलेंडर जैसे जो दिख रहे हैं ना, इस शेप में बनाते हैं और राइस को कूट कूट के बनाते हैं। तो ये बहुत ही चबाने में अलग ही होता है, बहुत इसमें चीज़ के जैसा टेक्स्चर होता है, और इसको सॉस में बनाया जाता है कोरियन रेड चिली के सॉस में, जो इतनी तीखी नहीं होती लेकिन टेस्टी बहुत होती है। ओडी ने अपनी प्लेट में ऑलरेडी डाल लिया नमक, वाइट पेपर और लाल मिर्ची पाउडर, तो इसमें डाल डाल के इसमें लगा लगा के खाएंगे, जो भी नॉन वेज आइटम्स है सब इसमें लगा के खाएंगे। पहले आपको बता चुकी हूँ कोल्ड नूडल मेरी फेवरेट डिश है, और ये नूडल बनते हैं बकवीट से, और ये देखिए इसमें अंडा डालते हैं हमेशा, ये है मूली पिंक कलर की, ये है खीरा, और बर्फ़ के टुकड़े मिलेंगे आपको, ये एकदम ठंडा होता है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, कोई तेल वेल नहीं होता इसमें। और ये देखिए ये है कोरियन रेड चिली सॉस, ये थोड़ा हमारे रेड चिली सॉस से अलग होता है। तो जब भी हम कोरियन बारबेक्यू खाने आते हैं कोल्ड नूडल्स पहले ही हम मंगवा लेते हैं, ताकि जो मटन है उसको कुक होने में टाइम लगता है, तो तब तक हमको भूख लग जाती है, हम कुछ खा सकते हैं साथ में। और देखिए इसको पकने में सेम टाइम लगेगा, आलू मशरूम और मटन सबको, क्योंकि इनको साइड में रखा हुआ है। अब ये तेल डाल रही है, आग लगा रही है, क्योंकि इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा उससे। तो कोरियन बारबेक्यू ज़्यादातर ऐसे तल के ही होते हैं, बोलने को बारबेक्यू होते हैं, कहीं कहीं पे एक्चुअल बारबेक्यू भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये तल के ही होते हैं। और देखिए जो हो गया उसको वो साइड में रख रही है, ताकि वो और ज़्यादा कुक नहीं हो जाए। इवान हमेशा की तरह तभी बोर होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, और मेरी आप हालत देख रहे हो, मैं इतनी पतली इसलिए हूँ क्योंकि जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तभी वो बोर होता है, परेशान करने लगता है, तो उसको ही संभालना पड़ता है खाना छोड़ के। देखो रेस्टोरेंट में तो वो फिर भी थोड़ा बेटर बिहेव करता है, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट होता है, उसको बोर इतना नहीं होता जितना घर पे होता है। तो यहाँ पे तो बैठ गया एक जगह पे, घर पे वो कभी नहीं बैठता एक जगह पे। यहाँ पे उसको देखने को मिल रहा है, देखो इतने सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसको मज़ा आता है उसमें, बट फिर भी वो चाहता है कि कोई उसके साथ खेले, तो क्या करे, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। अभी इवान ने वेट्रेस का हाथ ही पकड़ लिया, देखो आप कितने अच्छे से देख रहा है उसको, उसको भी समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे। उसकी दादी ट्राई कर रही है कि आलू देके उसका मन बहलाए, शायद आलू खाएगा या उसमें उसका मन लग जाएगा।
फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा वीडियो काट नहीं रही हूँ ताकि किसी को अगर एक्सपीरियंस करना हो, देखना हो एक्चुअल में, तो वो आराम से देख सकता है कि क्या चल रहा है और काटने में मतलब भी क्या है ना। नॉर्थ चाइना और कोरिया के लोगों को लाल मिर्ची बहुत ही पसंद है, हर चीज़ में वो रेड चिली डालते ही डालते हैं। वेट्रेस इवान के लिए लॉलीपॉप ले आई, हाउ स्वीट। अब ये हो रही है यहाँ की सफाई, तो ये जो भी चिपका हुआ था उसको निकालेगी और फिर पानी डाल के उसको अच्छे से धोएगी। देखो इस बारबेक्यू के इस पैनल को ऐसे ही बनाया गया है कि वहीं पे साफ़ हो जाए, किसी को इस सामान को कहीं ले जाना नहीं पड़े, किचन में जाके साफ़ नहीं करना पड़े, और नीचे ड्रेन भी लगा हुआ है। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अब ये फिर से तेल लगा रही है नए आइटम के लिए जो कि है मटन, तो उसके थोड़े पतले पतले स्ट्रिप्स हैं पीछे, देखिए आप वो रखा हुआ है। ये बटर भी लगा रही है ताकि और अच्छा फ्लेवर आए, तो आइटम के हिसाब से किस टाइप का मीट है उसके हिसाब से बटर या तेल क्या यूज़ होना है इनको पता है। तो ये सारा ट्रेडिशनल कोरियन बारबेक्यू के स्टाइल से ही हो रहा है। अब पीसेस को काटने के लिए कोरियन बारबेक्यू में हमेशा कैंची का यूज़ करते हैं, क्योंकि चाकू का यूज़ करेंगे तो पूरा बारबेक्यू का जो फ्लोर है वो ख़राब हो जाएगा और उसमें स्क्रैच आ जाएंगे, तो यही बेस्ट तरीका है। फ्रेंड्स, इंडिया में हम लोग नॉनवेज पसंद करते हैं मसाले के साथ, हमको टेस्टी ही नहीं लगता जब तक खूब सारे मसाले नहीं हो, लेकिन इंडिया से बाहर ज़्यादातर जगहों पे स्पेशली जापान, कोरिया, चाइना वगैरह में एकदम नॉनवेज को पहले सिंपल तरीके से फ्राई किया जाता है या बारबेक्यू किया जाता है बिना किसी मसाले के, उसके बाद उसमें आप सॉस वगैरह लगा सकते हो, तो ये एंजॉय करते हैं एक्चुअल टेस्ट जो होता है नॉनवेज का, उनको लगता है ज़्यादा मसाले डाल के वो टेस्ट चला जाएगा। Oh my God, friends, मैं खा गई मिर्ची, लाल मिर्ची। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, यहाँ पे कैसे रोल बनाते हैं। ये पत्ता लिया, ये एक मीट का पीस लिया, इसमें लगाई लाल मिर्च, लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च, इसको इसमें अंदर रखा, और जो भी मिलता है आपको, मशरूम, आलू, सब कुछ। पत्ते के अंदर भर के मैंने अकेले ने सारे राइस केक खत्म कर दिए हैं, देखिए आप।
ये मशरूम है फ्रेंड्स, इसको मैं डिप करके खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया है ख़त्म और हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी हमारे नए घर के टूर का। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।